गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, जब इंडिया में रजवाड़ा सिस्टम हुआ करता था, तो जयपुर के एक राजा थे, राजा मान सिंह, ठीक है। तो वो क्या, वो इंग्लैंड चले गए, कोई उनका दोस्त था, उस दोस्त ने उनको बुलाया था, तो इंग्लैंड चले गए। तो क्या हुआ कि नाइट ड्रेस में वो सोए, अपना नॉर्मल ड्रेस पहन के नाइट में, सुबह उठे, तो वो सुबह उठने के बाद वहाँ के शोरूम, रॉल्स रॉयस के शोरूम चले गए। ऐसे उठे और चले गए नॉर्मल स्लीपर पहन के, ठीक है। तो जब वो गए शोरूम में, तो जो वहाँ का वॉचमैन था वो गेट नहीं खोला, और उनको गेट से धक्का मार के गिरा दिया। भाई वो तो राजा आदमी थे, तो उनको लगा यार, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा यार बताओ, मैं एक जगह का इतना बड़ा राजा हूँ और मुझे यहाँ ये। तो वो तुरंत वहाँ से उठे, टिकट कराए और इंडिया आ गए जयपुर। और जयपुर में उन्होंने ऑर्डर किया 4 से 5 रॉल्स रॉयस कार, ठीक है। और ऑर्डर करने के बाद क्या किया, रॉयल्स रॉयस कार के बारे में आपको पता है, ये एक ऐसी कार है, ये एक ऐसी कंपनी है कि जब ये बन जाती है कंप्लीट, तो ये 5 रुपए का सिक्का, मतलब कहा जाता है, ऐसी स्टोरी है, अपने बोनट पे रख के चलाते हैं और चेक करते हैं कि वाइब्रेशन, क्योंकि किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि उसके वाइब्रेशन को मिनिमम करना। तो ये उस पर रुपए का सिक्का रख के चलाते हैं कि गिर तो नहीं रहा, अगर गिर गया तो फेल हो गया, और नहीं गिरा तो फिर वो पास हो गया, ऐसे चेक करते हैं। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है, जब ऑर्डर मिलता है तभी ये बनाते हैं, और ये एक ऐसी कंपनी है कि जब भी आप ऑर्डर करते हो तो आपका पुराना बैकग्राउंड देखते हैं कि आपका हिस्ट्री कैसा रहा है, आपका कैसा नाम रहा है, आप उस कार को सर्वाइव करा पाओगे कि नहीं। मतलब ये कंपनी अपने बेचने पे ना ध्यान देके अपने नेम पे ध्यान देती है कि जो पर्सन लेगा उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है। यहाँ तक कि मल्लिका शेरावत ने भी एक बार ऑर्डर किया था, उनको नहीं मिला, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ख़राब रहा है फिल्मों में, भाई सीन देना ये सब बॉडी का। तो रॉयल्स रॉयस को उन्होंने ऑर्डर किया 5 रॉयल्स रॉयस, फिर उन्होंने अपने लोगों से कहा वहाँ के कि सभी लोग अपने घर के कूड़े इस रॉयल्स रॉयस कार में डालेंगे। ये बात वायरल हो गई, मतलब उस समय जो भी फोटो वोटो होगा उसे वायरल हो गई। तो रॉयल्स रॉयस के मालिक को बात पता चली, तो उसने तुरंत उनको टेलीग्राफ भेजा कि आप ये जो कर रहे हो प्लीज़ इसको बंद कर दो, क्या रीज़न है कि आप ऐसा कर रहे हो, इतनी महंगी कार, इतनी अच्छी कार, नाम ख़राब कर रहे हो। मतलब यहाँ तक कि जब इसमें कूड़ा डालना स्टार्ट हुआ, तो कंपनी लोगों ने इस कार को लेना, परचेज़ करना बंद कर दिया, नाम ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तो उससे इन्होंने उससे राजा मान सिंह ने कहा कि आप मुझसे सॉरी बोलो और इंडिया आके सॉरी बोलो, ठीक है, तब मैं हो सकता है कि इस बारे में सोचूंगा कि कंपनी का नाम ख़राब हो रहा है कि नहीं। तो वो बंदा इंडिया आया, इनसे सॉरी बोला, 6 कार गिफ्ट दे के गया, तब जाके राजा मान सिंह ने ये सब बंद कराया, ठीक है। आप इसको चाहो तो गूगल पे देख भी सकते हो, स्टोरी पढ़िए राजा मान सिंह की। तो ऐसे रहे हमारे इंडिया के लोग, जो बड़े बड़े को पैरों पिला दिए हैं।